पूरे मुल्क में, पूरे मुल्क में दहशतगर्दी फिर शुरू हो गई है और हम मांग रहे हैं उन शहीदों के लिए जिनको नाहक में शहीद किया गया। पिशावर में मस्जिद में धमाका हुआ और कई लोग बेगुनाह लोग शहीद हो गए और इसी तरह कल कराची में हमला हुआ पुलिस हेडक्वार्टर पे, पुलिस के ऑफिस में, वो भी तबाह हो गया, वहां भी काफी नुकसान हुआ, काफी लोग शहीद हुए। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इन दहशत गर्दों को बर्बाद करे और इस्लाम और मुसलमानों के पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत हो। मेरे भाइयों, ये जो तबाह है इसके वसल से हम एक पैगाम देना चाहते हैं। आपको इल्म होगा, काफी लोग मेरे साथ रिलेटेड हैं बड़े अरसे से। आपको पता है कि 2008 में भी यही हालात थे और उस वक्त दरबारों के बम बवाल शुरू होती थी। उस वक्त हमने रूहानी इकदाम शुरू किए थे और उस रूहानी इकदाम ने, पता है हमारा स्लोगन क्या था? पीस था, पीस ऑन अर्थ, अमन जमीन पर कायम रखना, ये हमारा फर्ज है। और हम वो लोग हैं जो ऐलानिया कहते हैं कि पाकिस्तान का वो बनाने वाले हमारे बुजुर्ग थे और दिया का है बेजर पाकिस्तान पाकिस्तान ये नारा लगाने वाले नहीं बल्कि बाबरी कदम उठाने वाले हैं। उस वक्त हमने ये सिलसिला किया था कि भाई अगर आप पर कोई बारूद फेंकता है तो आप बारूद का दर जवाब जो है वो दुरूद से दीजिए और हम कल जवाब दम से दीजिए। और अल्लाह के फजल से ऐसा ये चला कि हमारे पाकिस्तान की आवाम के अंदर एक बड़ी मोहब्बत की लहर दौड़ी और उन्होंने कहा कि नहीं, हम पत्थर का जवाब ईंट का जवाब पीछे पत्थर से नहीं देंगे बल्कि हम बारूद का जवाब दुरूद से देंगे और बम का जवाब हम दम से देंगे। मेरे भाइयों, इस वक्त इस फर्क ये पड़ गया है कि एक तबका पाकिस्तान में दम वाला है और एक तबका दम वाला है। कितनी ठंडी सुबह क्या गए एक तबको हो हम मारो, एक तबको है दम मारो, एक तबका है दम वाला, एक है दम वाला, एक है बारूद वाला और एक है दरूद वाला। और खुश किस्मत हो तुम लोग कि तुम दरूद वाले हो और ये चीखता हम पहले क्यों चीखते थे कहते थे लेकिन लोग समझते नहीं थे। वो कहते सब मुला बराबर है, सब मुला बराबर है, जिसकी दाढ़ी है बस ये सारे दहशत गर्द है। और एक जगह जब ये बम ब्लास्टिंग शुरू हुई ना तो एयरपोर्ट पे एक जेंटलमैन मुझे मिल गया, मुझे कहते पीर साहब, पीर साहब ही कहते हो बोलो ना साहब, ये बताओ कि आप लोग कौन हो, कौन से बोल रही है? मुझे तुमने वॉली बना दिया, बात क्या तुम्हारी, मतलब क्या तुम्हारा? कहते बस मुझे ये बताओ कि आप लोग कौन से हो, दम वाले बारूद वाले बोल भी हो या बारूद वाले हो या दरूद वाले हो? मेरे का शुक्र है कि तो आपको समझ आ गई, ये शुक्र है तुम्हें समझ आ गई है कि बारूद दरूद वाले भी हैं और बारूद वाले भी हैं। दरूद वाले तो 1400 साल से चले आ रहे हैं। मुझे बताओ किसी अल्लाह के वली ने, किसी अल्लाह के वली ने किसी बादशाह से कहा हो कि मुझे अपनी बादशाह दे दो? नहीं, बल्कि बादशाह घर पे आते हैं, वली दुआ करके उनको हाकिम बना देते हैं। हम आपकी मुश्किल को हल करने के लिए निकले हैं,
जो प्रॉब्लम में आप पड़े होंगे, उन लोगों के टैक्स है, सिक्योरिटी टैक्स है, क्या करेंगे? वो हल फकीरों के पास है। अमन की, अमन और मोहब्बत की बात करने वाले हैं। इन लोगों को हम इतना इकट्ठा करके दहशतगर्दी का सबक देने नहीं आए। इन लोगों को हम मुल्क में अपना कभी पहनाने के लिए नहीं जमा किया, बल्कि इनको जमा इसलिए किया है कि सबक सबर करो, क्योंकि अल्लाह का फरमान है कि आप हक पर कायम रहो, सबर करते रहो, अल्लाह आप पर कर्म फरमा देगा। आज के जमाने में जो आपके अदारों में हो रहा है, जो आपके मुल्क में हो रहा है, वो के हमारे जो तबके के लोग हैं वो मायूस हैं, लेकिन हम कहते हैं कि मायूसी हराम है। हम तो रेशों के मानने वाले हैं। हम इन लोगों को नहीं कुछ पर समझते, हाकिमों को कुछ बड़ा नहीं समझते, हम सिर्फ अपने खाले को समझते हैं। जब हम परेशान होते हैं तो रज़ाक के सामने सजदा-ए-रेज़ हो जाते हैं, वो गैब से हमारे रास्ते खोल देता है। आज के लोग, ये दुनिया परेशान है। कई दिन लोगों को क्या परेशानी थी कि दूर से कोई का से बंदा आया, एक इस्लामाबाद से आया, एक लाहौर से आया, इनको क्या था? लाहौर में इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था, सब सुनने वाले है। ये एक दर्द लेकर आए हैं, आओ इकट्ठे होकर मखलूक के खुदा को अल्लाह का रास्ता देते हैं और सबको मिल के दुआ करने आते हैं। आओ दुआ करो ताकि हमारे वतन की मुश्किलें आसान हो। ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना है। इस पाकिस्तान की हिफाजत करना हमारा फर्ज है, हम इसकी खिदमत करेंगे। हमारे बुजुर्गों ने बुलाया था, हम इसको तोहफा देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला काम पूरा आएगा और पैगाम पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम एक तमाम हब फिक्र का एक इज्तिमा हुआ था और उसमें एक मीसाक-ए-वहद तय हुआ था कि पाकिस्तान की बका के लिए हम सब एक हैं।